मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तैयार हो? ओके, तो अध्याय एक, ठीक है ना, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट वन पार्ट टू। तो उसका अध्याय आज पार्ट वन का अध्याय एक हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दो भागों में बांटा है। तो रैगनर फ्रिश ने आर्थिक क्रिया के व्यष्टि और समष्टि स्तर पर रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि मीन्स सूक्ष्म, छोटा, व्यक्तिगत, मतलब एक इकाई, व्यक्तिगत इकाई पर इसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, एक फर्म के आधार पर, एक उद्योग के आधार पर, एक फैक्ट्री के आधार पर, ठीक है ना, जो अध्ययन करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और जो संपूर्ण देश की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, जैसे समस्त देश में जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी फैक्ट्री हैं, कंपनी हैं, उसके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मीन्स संपूर्ण। तो रैगनर फ्रिश ने जो है अर्थशास्त्र के दो पार्ट किए थे, एक व्यष्टि और एक समष्टि कहलाया। तो हम लोग बहुत सरल शब्दों में कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई की शुरुआत, सेशन की शुरुआत बहुत ही सरल शब्दों में हो, जिससे कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, तो अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक क्रिया। इसमें अर्थशास्त्र विज्ञान तो है लेकिन मानवीय विज्ञान है, ठीक है ना, मानवीय विज्ञान है, क्योंकि ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का भी हमने बताया था कि व्यक्तिगत एक इकाई, एक यूनिट। अब किसी चीज का चयन करना, उसके रिसोर्सेस, संसाधन, सीमित संसाधन होने पर उसके पास जो है चयन करने की या डिसीजन करने का, बोल के ये या ये, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा है, अब मैं सोचती हूं कि इसमें गेहूं उगाऊं या दाल उगा लूं, दाल की पैदावार करूं या गेहूं की पैदावार करूं। अब अगर मैं दोनों करती हूं तो मात्रा कम कम प्राप्त होगी, और अगर एक करती हूं तो मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। अब मान लीजिए उसकी कीमत का निर्धारण के उस पर देखते हैं, तौर पर देखते हैं, तो दाल की कीमत ज्यादा है और गेहूं की जैसे कम है, तो उससे मुझे कम कीमत प्राप्त होगी। तो ये व्यक्तिगत हमारा एक डिसीजन का जो है एक अधिकार हमको होता है कि हम जो है उस अपने सीमित साधनों पर, सीमित संसाधन के होते हुए किस चीज का हम चुनाव करें, ये या ये। ये कोई जरूरी नहीं है, सीमित संसाधन तो हर व्यक्ति के पास सीमित ही है और आवश्यकताएं असीमित है, तो उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हमको सीमित रिसोर्सेस के रहते हुए ही करना होता है, और उस पर हमको चयन करना होता है कि हम उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। ये हम इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब क्या है कि अर्थशास्त्र की
कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। केंद्रीय समस्याओं में क्या आता है कि उत्पादन क्या किया जाए और उत्पादन कितना किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये तीन समस्याएं निकल करके सामने आती हैं, ठीक है। कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए, राइट। ये तीन केंद्रीय समस्याएं निकल करके सामने आती हैं। अब जैसे ये है कि आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, अब आर्थिक क्रियाओं के प्रकार क्या है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। अब उपभोग, दूसरा उत्पादन, विनिमय, विनिमय के फिर जो है दो पार्ट होते हैं, विनिमय मीन्स एक्सचेंज, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण, उन साधनों की क्या कीमत है उसके आधार पर जो कीमत निर्धारण होता है साधनों की, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये तो आपने पढ़ा होगा बच्चों 11th में, ठीक है ना। यही तो साधन है ना, उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं, यही भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो उसके आधार पर कीमत का निर्धारण करना और वस्तु की कीमत का निर्धारण करना। अब वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। उस ये जो है ये विनिमय के दो पार्ट होते हैं, निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो ये अर्थ, हाँ तो बच्चों अर्थव्यवस्था से अभिप्राय क्या होता है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से अभिप्राय किसी भी देश के, कोई भी देश मान लीजिए आप, कोई भी देश के, किसी भी देश में व्याप्त उस व्यवस्था से होता है जिसके अंदर एक देश के नागरिक, एक देश में रहने वाले, एक देश में, उसी देश में मतलब निवास करने वाले लोगों के जीविका अर्जित करते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है वो। और इसके अंतर्गत जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, जब जी तभी जब कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है तो वो उत्पादन करता है, फिर उस उत्पादन का उसी देश के नागरिक उपभोग करते हैं और निर्यात भी करते हैं, और हमारे देश में जिस चीज की आवश्यकता होती है या जिस चीज की पैदावार नहीं होती है या कम होती है तो दूसरे देशों से उसको आयात भी करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अर्थव्यवस्था हुई। अब इसके बाद एक जो मेन चीज थी ये समझ में आ गया कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, ठीक है ना। दूसरा क्या था, उत्पादन कैसे किया जाए, और कैसे किया जाए मतलब इसकी भी दो कैटेगरी होती है, एक तो बच्चों दो टेक्निक होती है उत्पादन करने की, एक तो क्या होता है कि श्रम प्रधान होती है, एक पूंजी प्रधान होती है। तो इन दो तरीके से जो है उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास छोटा सा फार्म है, तो उसमें हम लोग, उसमें अगर हम छोटा सा है तो उसमें हो सकता है कि हम खुद ही मेहनत कर लें, खुद ही श्रम कर लें उत्पादन करने के लिए, पैदावार करने के, पैदावार जिससे कि हो, ठीक है ना, पैदावार करने के लिए बैलगाड़ी से कर सकते हैं निराई गुड़ाई, बीज बो सकते हैं बैलों के माध्यम से उनकी सहायता लेकर के। लेकिन अब वही फार्म हमारा बड़ा हो गया तो फिर उसके लिए हमें ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी और मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो ये श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान, तो इस तरह से उत्पादन कैसे किया जाए। इसके बाद अब आता है कि वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन भी हो गया, अब प्रोडक्शन हो गया, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण कैसे किया जाए कि जिससे कि समाज में असमानता उत्पन्न ना हो। तो ये है कुछ हमारी जो केंद्रीय समस्याएं हैं। अब इसको हम लोग जो है अभी फिलहाल इतना ही करेंगे और इसको नेक्स्ट जब हम अगली कक्षा में इन सब पर और चर्चा करेंगे, ठीक है।
और ये बच्चों समझ ही गए, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के दो पार्ट जो रैग्नल फ्रिश ने जो है किए थे। आर्थिक क्रिया क्या होती है? तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। भाई साधन तो सबके पास सीमित है, किसी के पास भी असीमित नहीं है। अब वो बात अलग है कि मैं आज दो दर्जन केले खरीद लूं या 4 किलो मटर खरीद लूं, या मैं इन दोनों में सामान्य से बैठा लेती हूं कि आज मैं फल खरीद लेकर काम चलाऊंगी, कल मैं ये सब्जी खरीद के काम चलाऊंगी, या आज ये वाली सब्जी ले लेती हूँ कल वो वाली सब्जी ले लूंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा आपसी चुनाव करने का वो होता है, डिसीजन क्षमता होती है हमारी कि हम क्या हम पहले करें या प्राथमिकता किसको दें, ठीक है। तो आवश्यकता है तो साधन सबके पास सीमित है, बस आवश्यकता है असीमित है। तो हमें लेकिन क्या है कि सीमित साधनों के उपयोग करके ही अपनी आवश्यकताओं को या किसी भी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना, ये हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और ये आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हो गए। ये आर्थिक क्रियाएं, अर्थ तो समझ गए ना बच्चों, अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र में किस चीज का अध्ययन करते हैं, ये हम लोगों ने सबने 11th पढ़ा था, आप लोग भी जानते हैं, जिसमें मुद्रा का धन, धन संबंधी, और ये देखिए जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये सब धन संबंधी क्रियाएं हैं, ठीक है ना। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश, और विनिमय के दो पार्ट, वस्तु वस्तु कीमत, वस्तु के कीमत का निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। अभी ये वस्तु कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं इसको डिटेल करेंगे, नेक्स्ट आएंगे ये चैप्टर आगे, तो इसको तब हम लोग इसका डिटेल करेंगे। ओके, अब अगली कक्षा में फिर। ओके, थैंक यू।